हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी अडेनियम के बारे में। तो अडेनियम की मैंने जो है ग्राफ्टिंग की थी, वो ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो गई है, लेकिन जो है मैंने अभी उसकी प्लास्टिक नहीं हटाई है। तो आज मैं आपके साथ में प्लास्टिक हटाऊंगी और दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने ग्राफ्टिंग की थी और कैसी सक्सेसफुल हुई है। वीडियो में बने रहिएगा। ये जो है देसी अडेनियम है और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये सब सीडलिंग है जो मैंने सीड से ग्रो किए हैं। जो अभी आपको अडेनियम दिखाई थी उसी के बेबी प्लांट है, मतलब की उसी के सीड से ग्रो हुए प्लांट है। लगभग 70 प्लांट है ये, और कुछ सीडलिंग मेरी खराब भी हो गई थी तो मैंने इसको धूप में रख दिया है। तो अब जो है नए नए जर्मिनेट हो रहे हैं, कुछ खरपतवार भी उग रहे हैं, तो उसी वाले सीड पॉट से निकले हुए सीड से। तो मेरे पास में 5 या 6 सीड पॉट बने हुए थे, उन्हीं से मैंने जर्मिनेट किए हैं। तो कुछ धीमे धीमे जर्मिनेट हो रहे हैं और कुछ मैंने और नए कल जो है सीड डाले हैं, तो वो भी जर्मिनेट जैसे होंगे वो आपके साथ में मैं आगे शेयर करूंगी। जैसे जैसे मेरी सीडलिंग रेडी होती जाएगी वैसे वैसे मैं आपके साथ में ग्राफ्टिंग के वीडियो लेकर आऊंगी। ग्राफ्टिंग करके दिखाऊंगी किस तरीके से अडेनियम की ग्राफ्टिंग होती है। बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं, बहुत ही आसानी से गार्डन में चल जाते हैं। जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे हमारे यहाँ पर गुजरात में बहुत गर्मी पड़ती है, तो इनके लिए जो है अडेनियम बहुत ही अच्छे प्लांट होते हैं। हार्डी भी होते हैं, उनकी बहुत ज्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती है। कुछ सीडलिंग आप देख सकते हैं काफी अच्छी हेल्दी ग्रोथ हो रही है, कोडेक्स भी इनके काफी अच्छे हो रहे हैं। तो ये पहले की सीडलिंग है जिनको मैंने पहले रिपोर्ट कर दिया था। अगर आप टाइम पर सीडलिंग को रिपोर्ट कर देते हैं तो इसी अच्छी तरीके से ग्रो होते हैं। और ये भी सात की ही सीडलिंग है, लेकिन इनको मैंने रिपोर्ट करने में काफी टाइम लगा दिया क्योंकि विंटर आ गया था। विंटर में अगर मैं रिपोर्ट कर देती तो ये मेरी सीडलिंग सब खराब हो जाती, तो मुझे गर्मी का वेट करना पड़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये एक सिंगल अडेनियम था, जो सिंगल पेटल का जो रहता है नॉर्मल देसी अडेनियम, उस पर ग्राफ्टिंग की थी। बटन ग्राफ्टिंग जो इसको बोलते हैं, टैप ग्राफ्टिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो मैंने इसी तरीके से ग्राफ्टिंग की थी। आप देख सकते हैं मैंने 3 से 4 नोड के साथ में ग्राफ्टिंग की, मतलब छोटी सी बटन ग्राफ्टिंग नहीं थी मेरी, काफ़ी बड़ी मैंने 3-4 नोड के साथ में इसमें ग्राफ्टिंग की थी। और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से हो गई है, एक जो है अच्छे से लीव्स निकलने लगी हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है इसलिए पत्तियाँ इसकी इस तरीके से हो गई हैं। और मैंने अभी तक इसमें वाटरिंग भी नहीं की है, कारण यही है कि मुझे मैंने फरवरी लास्ट में इसकी जो है ग्राफ्टिंग की थी और तब से लेके अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला। ये दूसरा प्लांट है जिसको मैंने ग्राफ्ट किया था, ये भी सिंगल प्लांट ही है। इसमें भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से स्प्राउट, मतलब कि जो ब्रांच रहती है वो निकलने लगी। इसमें भी लंबी, मतलब जो बटन ग्राफ्टिंग थी उसमें भी 3-4 नोड थे और यहाँ से भी नया निकल रहा है, तो मतलब कि 2 ब्रांच तो हो ही जाएंगी इसमें। अब ये जो मैं दिखा रही हूँ ये कटिंग से लगा हुआ मेरा प्लांट था जिसमें मैंने ग्राफ्टिंग की थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर कुछ चीज़ सक्सेस होती है तो कुछ अनसक्सेस भी होती है। यहाँ पर एक ग्राफ्टिंग की है, वो अभी तक इसमें कुछ भी नहीं निकला है, लेकिन मैं इसको ढक कर ही रखी हूँ। उसके बाद में ये मैंने वी ग्राफ्टिंग की थी, मैंने दोनों ही ग्राफ्टिंग के तरीके अपनाए थे। ये वी ग्राफ्टिंग की थी, उसको भी मैंने अभी तक नहीं खोला हुआ है। तो वी ग्राफ्टिंग जो है मैं अभी नहीं खोलूंगी, लेकिन जो बटन ग्राफ्टिंग है उसको मैं खोलूंगी आज। इसी प्लांट में, मतलब 2 प्लांट एक साथ में लगे, तो इसी में एक और ग्राफ्टिंग की थी बटन ग्राफ्टिंग। तो ये देख सकते हैं बटन ग्राफ्टिंग की ग्रोथ देख सकते हैं आप कितने अच्छे से हो रही है। और ये इधर है, ये देखिए बहुत अच्छे से हो गई है। तो इसको आज मैं खोल के आपको दिखाऊंगी। तो आप अगर चाहें तो एक महीने में अगर आपकी अच्छे से बटन ग्राफ्टिंग ये सक्सेसफुल हो गई है तो आप जो है इसको खोल सकते हैं। मैंने काफ़ी टाइम लगा दिया है, तो अब इसमें जो है वाटरिंग की ज़रूरत है। तो ये कटिंग से लगे हुए प्लांट ही हैं, ये वाले 2 प्लांट कटिंग से लगे हुए हैं। तो एक प्लांट में जो है ये वी ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हुई है और एक में जो है बटन ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हुई है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, तो ये बटन ग्राफ्टिंग सक्सेस हुई है। और ये सिंगल हैं जो पिछले साल मैंने सीड से, 2 ही सीड थे मेरे पास में, तो 2 ही ग्रो किए थे, काफ़ी अच्छे चल गए थे। तो ये हेल्दी कोडेक्स हो गए थे, लगभग 1.5 साल का प्लांट था। आप 1 साल से कम प्लांट के उस पर आप ग्राफ्टिंग बिल्कुल ना करें, सक्सेसफुल नहीं होगी। अच्छी सी मोटी लथिक होनी चाहिए ब्रांच, तभी जो है सक्सेसफुल होती है। तो अब जो है इसकी हम प्लास्टिंग कट करेंगे, बहुत आराम से करना है जिससे कि हमने जो मेहनत की है वो हमारी मेहनत वेस्ट ना हो। बहुत आराम से प्लास्टिक को कट करना है क्योंकि ये जो है ग्राफ्टिंग टेप रहता है जो चिपक जाता है। तो पहले मैं इसको निकाल लेती हूँ, फिर आपको निकाल कर दिखाती हूँ। तो ये जो है निकल चुका है, जो हमने गठान बांधी थी वो जो है खोल ली है। अब इस तरीके से हमको धीमे से आराम से निकालना है और प्लास्टिक को कट कर देना है। तो
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ग्राफ्टिंग का और काफी अच्छा सक्सेसफुल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये वाली ग्राफ्टिंग जो है इसका भी प्लास्टिक निकाल दिया है और यहाँ पर जो है दूसरी है इसका भी प्लास्टिक मैंने निकाल दिया है। आपको दिखा देती हूँ इस तरीके से। तो मैंने फर्स्ट टाइम किया था तो ये काफी बड़े मैंने बटन ग्राफ्टिंग कर दी है, लेकिन आप जब भी करें तो इसमें दो नोड होने चाहिए, एक ये और एक ये, बस दो ही नोड रहेंगे तब भी चलेगा। मेरी काफी बटन ग्राफ्टिंग बड़ी हो गई है और यहाँ पर एक जो है इसमें अभी कोई भी स्प्राउट वगैरह नहीं निकला है, मतलब कोई भी नई ब्रांच नहीं निकली है, तो इसको मैं नहीं हटाऊंगी अभी। और ये जो वी ग्राफ्टिंग है इसको भी नहीं हटाऊंगी, वी ग्राफ्टिंग को काफी टाइम बाद में हटाऊंगी, नहीं तो ये डैमेज हो जाएगी। और ये वाली जो बटन ग्राफ्टिंग है इसकी भी प्लास्टिक हटा दिए हैं। तो इस तरीके से आप भी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं अगर आप बोलेंगे तो। नेक्स्ट टाइम जो है मैं आपके साथ ग्राफ्ट करके भी दिखा दूंगी कि किस तरीके से मैंने ग्राफ्ट की है और कहाँ किस क्या क्या चीज़ लगती है ग्राफ्टिंग करने में। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। हैप्पी गार्डनिंग।